पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गेट एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के? उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर ये जो फीस का कल्चर है ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। क्या बात है। देखिए जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं? क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो, बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, कितना हाँ, भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। हाँ, कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है।